तो इस बुक को लेकर दो डाउट सबके मन में आ रहे हैं कि क्या हमको ये बुक लेनी चाहिए यदि हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं। दूसरा है ये अगर इसमें वीडियो सॉल्यूशन कितने दे रखे हैं, पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें दे रखे हैं वो उन सभी के वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं या नहीं, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर दिखाऊंगा वो लाइव QR कोड स्कैन करके। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर वाला डाउट है वो आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं इसमें दिखाऊंगा और आपको सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो ये है प्रीवियस ईयर पेपर, ये है परसेंटेज चैप्टर आपका, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है वो चीज़ समझ लो। पहले देखो इसमें आप समझ देख सकते हो, इसमें क्या हुआ है CHSL के जो SSC CHSL 2019 के प्री के सारे दे रखे हैं इसमें प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद SSC CGL टीयर 1 के 2019 के दे रखे हैं, CHSL के भी दे रखे हैं 2019 के, और उसके बाद जो दे रखे हैं SSC CPO 2019 के भी दे रखे हैं इसमें। और उसके बाद देख सकते हो आप कितने दे रखे हैं, वो सब चीज़ दिखाऊंगा आपको। उस SSC CPO 2020 के प्री के हैं ये ओनली। और उसके बाद जो आया है इसमें वो है इसमें CGL टीयर 2 2019 के लिए। तो ये CGL 2019 के लिए इसमें ये 2019 के दे रखे हैं, 2018 के दे रखे हैं इसमें टीयर 2 के, और उसमें आप देख दिखा सकता हूँ मैं आपको 2016 के दे रखे हैं और 17 के भी दे रखे हैं इसमें। ये रहे 17 के, ये रहे 16 के आपके वो रहे, और भी दिखाऊंगा आपको कब तक दे रखे हैं इसमें। ये सारी चीज़ें देख के आपको एक चीज़ डाउट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, बस थोड़ा टाइम और दो मेरे को। इसमें 2011 से लेके 14 तक, मतलब टोटल मिला के 2011 से लेके 19 तक के मेंस के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये देखो सबसे अच्छी बात है कि आपको देखो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये अब आपका क्वेश्चन आता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर की बुक है, यदि आप प्री आपका निकल चुका है, ये आपके लिए मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी क्योंकि इसमें मेंस में सारा कुछ है। तो अब बात करते हैं हम इसके वीडियो सॉल्यूशन की, वो भी इसका QR कोड स्कैन करके मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सीधे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ। फाइनली हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखो मैं यहाँ पर QR कोड स्कैन करूँगा। तो सबसे पहले मैं थ्योरी वाला करूँगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन वाला करूँगा QR कोड स्कैन। तो मैं परसेंटेज चैप्टर का करूँगा, देखो यहाँ थ्योरी वाला। तो यहाँ पर जैसे ही हम थ्योरी का QR कोड स्कैन करते हैं तो ये हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ये परसेंटेज की थ्योरी है प्लस जो बेसिक्स हैं वो बताएंगे। अब देखते हैं वीडियो लेसन जो आगे हैं उसमें क्या निकलता है हमारा, वो आके आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर हमें 14 वीडियो मिलती हैं और ये काफ़ी टाइम की है। देखो एक घंटे की, एक घंटे 12 मिनट, एक घंटे 8 मिनट, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वरना जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा सब का सब। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया भी है ये, और मैं देखो आपको एक वीडियो प्ले भी करके दिखा रहा हूँ। देखो ये हो रही है गाइस, वेट कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बिल्कुल प्ले हो गई, तो आपको ये फेक नहीं है, ये एकदम रियल है। देखो इसमें काफ़ी सबको आपको पूरे के पूरे सब टोटल मिला के लेसन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और गाइस इस बुक को ख़रीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। अगर गाइज मेरे चैनल पे आप नए हो, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बुकों के बारे में, मैं कंपटीशन की हर बुक का रिव्यू करता हूँ, आप जाके मेरे चैनल को विजिट करें। और हाँ गाइज अगर नए हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे ये विनती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि